हेलो करते हैं हम तारीफ। यस। कितने पैसे मिलते आज तक तारीफ करने के? एक भी रुपए नहीं मिलते। अब आपको क्या करना है? शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय वाला काम आपको करना है। मतलब इसका ये नहीं कि फिल्मों में खजरारे कजरारे करना है, नहीं। आपको क्या करना है, इसके प्रोडक्ट यूज करने हैं और अच्छे लगे तो अपने जानने वालों से इसकी बात करनी है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हेलो, तो अपने जानने वालों को बताना है और अगर उनको भी ये सारे अच्छे लग गए तो उनको कितने पैसे लगा के ज्वाइन करना है? और जो फायदे आपको मिल रहे हैं वो उनको भी मिलेंगे। तो जब आप आरसीएम किसी को बताओगे तो उसका नुकसान करते हो या फायदा करते हो, भला करते हो? उसका भला करते हैं। और भला को अगर उल्टा लिखो तो क्या बन जाता है? लाभ। अब लाभ क्या होगा कि ये जितने भी लोग आपके आरसीएम में ज्वाइन होते जाएंगे आपके जरिए। और आपको एक और काम करना चाहिए, लगातार अपनी टीम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा टीम बनाओगे उतना ज्यादा टर्नओवर बढ़ेगा। आपके जानने वाले बहुत सारे लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया पर एक के नीचे दो, क्यों? सरकार बोलती है बच्चे दो ही अच्छे, और करना तो उनके नीचे लगा देना। बच्चा आप ही का है, ध्यान ये वाले अंकल रखेंगे। हेलो, आपके जानने वाले खत्म, इनके जानने वाले आसाम में, इनके जानने वाले उड़ीसा में, इनके यूपी, इनके बिहार, इनके झारखंड, इनके पंजाब, इनके हरियाणा, इनके दिल्ली, इनके जम्मू कश्मीर। हेलो। यस। और इस जम्मू कश्मीर वाले को आप नहीं जानते क्योंकि ये आपके पड़ोसी के दोस्त के मामा का फ्रेंड है। हेलो। और ये जम्मू कश्मीर में रहता है और ये वहां पर आरसीएम के साबुन से नहाए और उसकी खुशबू आपको आपके गांव तक आए तो कैसे? आप या आपकी टीम के जरिए ये जितने भी लोग पूरी जिंदगी जो आरसीएम का सामान खरीदेंगे वो आपके टर्नओवर में जुड़ता चला जाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाता चला जाएगा और उससे जो परसेंटेज आएगा वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये एक अमीर बनने के फार्मूले पे काम करना करता है। जानना चाहते हैं अमीर बनने का फार्मूला? यस। yes. yes. इतनी आवाज में मैं गरीब बनने का फार्मूला? yes. yes. अमीर बनने का एक फार्मूला है। विश्व में जितने भी लोग अमीर हुए उनके ऊपर कई साल का रिसर्च किया गया तो पाया गया कि क्या अमीर बनने का एक तरीका है, अगर कोई भी व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर लेगा तो वो अमीर बन सकता है। वो फार्मूला क्या है कि एक आदमी की जो महीने की इनकम होती है ये दो बातों पे निर्भर करती है, कितना उसके पास टाइम पावर है, कितना मैन पावर है। टाइम एंड मैन पावर इज प्रोपोर्शनल टू इनकम। इसको मैं क्लियर करता हूँ, जॉब वाले लोग एक बार हाथ उठाएंगे मेरे पास, जॉब वाले, जॉब जो भी करता है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी जॉब करता है, एक बार हाथ उठा सकते हैं। सर आप करते हैं? सर आप कितने घंटे जॉब करते हैं? 14 घंटे। अगर ये 14 घंटे से अगर मान लो और ज्यादा करें, ओवर टाइम करें, तो इनकम घट जाएगी या बढ़ जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो टाइम बढ़ने पर क्या बढ़ा? इनकम। सर आपके घर के लिए कमाने वाले लोग कितने? अकेले आपके घर में एक और फैमिली मेंबर अगर आप जैसा काम करने लग जाए तो आपकी इनकम घट जाएगी या बढ़ जाएगी? यानी मैन पावर बढ़ने पे क्या बढ़ जाती है? इनकम बढ़ती है। टाइम बढ़ाओ तो बढ़ता है इनकम, मैन पावर बढ़ाओ तो बढ़ती है इनकम। पर ये ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हमारे पास एक दिन में ऊपर वाले ने घंटे कितने बनाए? 24। और एक आदमी उन 24 घंटों में ज्यादा ज्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? सर 14 घंटे करते हो, उससे ज्यादा कोई कर सकता है? नहीं। तो अपने पास टाइम अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? मैन पावर, घर के लिए कमाने वाले लोग अनलिमिटेड होते हैं या लिमिटेड होते हैं? लिमिटेड। ये दोनों लिमिटेड होते हैं, इसीलिए तो आपके इनकम जो आती है वो भी क्या हो जाती है? मैं आपकी तरीके से ऐसी मीटिंग में जबरदस्ती लाया गया और मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जिसने बुलाया है वो नाराज ना हो जाए। और मैं यहां आने से पहले महान निगेटिव आदमी था, मुझे किसी भी ऐसे बिजनेस पे कभी भरोसा नहीं था। मैं यहाँ आने से पहले रेलवे में अकेला जॉब करता था, 8 घंटे की नौकरी और इनकम मेरी जो गवर्नमेंट से सैलरी आती थी। ऐसी मीटिंग में पीछे बैठा बैठा कुछ बातें मुझे समझ में आने लगी। पूरी मीटिंग सुन के मुझे कुछ बातें समझ में आई। पहली बात क्या समझ में आई कि अगर मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? जीरो। और अगर मैं किसी दूसरे को बताऊं तो उसको भी कितने लगाने पड़ेंगे? जीरो।
मुझे पहली वाली बात से दूसरी वाली बात ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से था और मेरी समाज में एक इज्जत थी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे किसी का कोई नुकसान हो और कल को मुझे उसे देख के अपनी नजरें नीची करनी पड़े। Yes. मुझे ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगा कि ना मेरा कोई नुकसान हो सकता है, ना सामने वाले का हो सकता है, अगर हो सकता है तो दोनों का फायदा हो सकता है। हेलो yes. तो इसलिए मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन करने का मन बनाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं ये बिजनेस करूं तो मुझे कल से क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कल से आपको पेस्ट करना जरूरी है, कल से आपको नहाना पड़ेगा, कल से कपड़े पहनने पड़ेंगे। कितने लोग हैं जो पेश करते हैं ईमानदारी से आप करते हैं? नहीं, आपको लगेगा मैं क्यों पूछ रहा हूं। एक बड़ी मीटिंग थी, वहां मैंने पूछा कितने लोग पेश करते हैं, एक अंकल जी ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने उनसे कहा सर पेश नहीं करते, बोले 80 साल का हूं दांत ही नहीं है पेश। तो इसलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ कितने लोग हैं जो नहाते हैं ईमानदारी से। नहीं, हफ्ते में एक बार वाले भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड। कितने लोग हैं जो कि खाना खाते हैं कपड़े पहनते हैं? अब मुझे ये बताओ ये काम आपने कितने दिन पहले शुरू किया? ये 1 जनवरी 2024 से। हेलो, कब से? जन्म से। जन्म से। जन्म से, बचपन से। अच्छा, इरादा कब तक कर लेंगे? जब तक जिंदा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप चाहें या नहीं चाहें, आप इस धरती पे पैदा ही हुए हैं किसी ना किसी का बिजनेस करने के, क्योंकि आपने जो पेस्ट किया, सच बताना, घर में बनाया था या खरीद के लाए? खरीद के लाए। जो साबुन से नहाए खुद बनाया या खरीद के लाए? खरीद के लाए। जो कपड़े पहने खुद बनाए या खरीद के लाए? और जब आप खरीद के लाए तो वो दुकानदार बोला ऊपर वाले मेरा आज बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। हेलो, तो जब बिजनेस आपको पूरी जिंदगी करना ही पड़ेगा तो किसी दूसरे का करते रहना चाहिए या मौका मिल जाए तो खुद का शुरू करना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं अब से खुद का शुरू होगा? बस यही बात मैंने सोची कि अब आउट गोइंग बंद, इनकमिंग शुरू। हेलो, तो मैंने कहा और एक स्टोरी मुझे मिली कि जीवन बदलने का मौका अगर कभी मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार एक पेड़ था मेरे दोस्तों, उस पेड़ के नीचे एक तालाब था और उस पेड़ पे कुछ बंदर लोग बैठे हुए थे। ये चूहा नहीं है, बंदर है ना। तो क्या हुआ, बंदर बैठे थे, अचानक एक कहीं से भविष्यवाणी हुई कि आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है, अगर तुम में से जो भी बंदर 3 गिनने से पहले अगर इस तालाब में कूद जाएगा तो वो इंसान बन सकता है। तो सब बंदर आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कोई बोला कैलेंडर देखो 1 अप्रैल है लोगी आज तो। हेलो। कोई मजे, कोई बोला अबे देखो कोई वीडियो तो नहीं बना रहा, कहीं प्रैंक हो रहा हमारे साथ। हेलो। लेकिन एक बंदर ने कुछ नहीं सोचा, उसने हाथ छोड़ दिया और छपा नीचे चला गया। जब बाहर निकला तो वो सच में इंसान बन गया। अब बाकी बंदरों ने उससे बोला कि यार गोला तो हमसे भी जा रहा था, हम भी सुन रहे थे, तुम ही क्यों कूदे? क्या ऐसा करने से तुम्हारे परिवार में पिताजी दादाजी कोई इंसान बने थे? बोले अरे बेवकूफ, मेरे परिवार में कोई इंसान होता तो हमें तुम्हारे साथ पेड़ पे बैठ के पूंछ लगा के मजा आ रहा था क्या? फैंसी ड्रेस शो कर रहा था क्या मैं? अरे भाई हम खानदानी बंदर थे। तो बोले फिर तुम कूदे क्यों? बोले हमने सोचा कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो एक बार कूद कर देखते हैं, इंसान बने तो ठीक वरना बंदर तो हैं ही। बात आ गई समझ में मुझे कि ये बिजनेस जिंदगी बदलने का एक चांस बन सकता है, तो क्यों ना इस चांस पे डांस कर लिया जाए। हेलो yes. तो मैंने तुरंत निर्णय लिया, मैंने बोला भाई मेरे पास और कोई अवसर नहीं है जिंदगी बदलने का, इस बिजनेस से अगर कुछ हो सकता है पैसे भी नहीं लगाने, मेरा सबसे पहले वहां पे ज्वाइन करवाओ मुझे। और मैं ज्वाइन हुआ और फिर मैंने क्या करना शुरू किया, शुरू में मैंने अपना दिमाग लगाया, तब तक मेरे रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि ये बिजनेस दिमाग लगाने का होता तो आप पहले ही कामयाब हो गए होते, आपको आरसीएम की जरूरत क्या थी। हेलो, ये बिजनेस में एक सिस्टम का पालन करने से होता है और इसमें जो भी आपकी अपलाइन होते हैं वो जो आपको बोलते हैं वो आपको काम करना होता है। अपलाइन जो होते हैं, डाउनलाइन होते हैं, ये सिस्टम अभी से नहीं, ये रामायण और महाभारत के समय से है। महाभारत के समय में अर्जुन की अपलाइन कृष्ण थे, कृष्ण जी ने बोला अर्जुन तीर चलाओ, बोले क्यों चलाएं, नहीं चलाएंगे। हेलो,
जैसे आपकी अपलाइन बोलती है जूम मीटिंग में आना, नहीं आएंगे। हेलो वीडियो ऑन करके बैठना, नहीं बैठेंगे। प्लान शो करना, नहीं करेंगे। हेलो डायमंड क्लब करना, बिल्कुल नहीं करेंगे। हेलो तो ऐसे लोगों का क्या होगा, आप ही समझिए। दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपलाइन थे हनुमान जी, हनुमान जी को एक बार बोला लंका जला दो, पूछा भी नहीं क्यों जलाना, कितना डीजल पेट्रोल लगेगा। हेलो यस तुरंत जला डाली। आपको अर्जुन के मंदिर कम दिखेंगे, रामचंद्र जी के भी कम दिखेंगे, हनुमान जी के जगह जगह क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो फॉलो द अपलाइन सबसे बढ़िया रहते हैं। yes! मुझे बात समझ में आ गई। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हो तो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। जो आपकी अपलाइन बोल रही है कर डालना है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला सर आप आरसीएम के सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, बाहर का कोई नहीं आना चाहिए। मैंने बोला क्यों नहीं आना चाहिए, बोले आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपने एक होटल खोला है। कोई बोला सेठ जी कहां गए, बोले वो तो सामने वाले होटल में खाना खा रहे हैं, तो आपका होटल कैसे चलेगा। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि आज से मेरे घर में एक भी प्रोडक्ट आरसीएम का के अलावा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मुझे एक और घटना याद आ गई। एक बार लक्ष्मी जी और शनि जी में आपस में झगड़ा हो गया कि हम में से ज्यादा महान कौन है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बताओ महान कौन। बोले हमने झगड़े में पड़ेंगे, किसको बोलना है महान है। दूसरा नाराज हो गया तो लक्ष्मी जी नाराज तो पैसे नहीं आएंगे, और शनि जी नाराज तो 7.5 ही लगा देंगे। हेलो तो नारद जी के पास गए, बोले बताओ। बोले नारद जी बोले देखो मेरे से मत पूछो, ये जो इंसान है ना ये बहुत होशियार है, यही बताएगा। अपनी उन्होंने प्रॉब्लम दूसरे के गले में डाल दी। हेलो अब धरती पे आए तो अपने आप, अपने गांव का एक किसान खेती कर रहा था बेचारा, बड़ा परेशान। इतने में वो आ गए, बोले बताओ हम दोनों में से सुंदर कौन है। उसने सोचा यार एक तो पहले ही परेशान और ऊपर से लक्ष्मी और शनि दोनों ने फंसा दिया। अगर हम बोलते हैं लक्ष्मी जी सुंदर है तो शनि जी पीछे पड़ जाएंगे लठ लेके, और अगर हम बोलते हैं कि शनि जी सुंदर है तो लक्ष्मी पहले ही नहीं आ रही, अब तो जिंदगी में नहीं आएगी। हेलो तो उसने दिमाग चलाया, उसने बोला एक काम करो, ये जो बाहर पेड़ देख रहे हो। बोले हाँ। बोले चले जाओ इसकी दो दो पत्तियां तोड़ के लाओ और हम बता देंगे सुंदर कौन है। बोले जरूर बताना नहीं तो समझ लेंगे। बोले नहीं बताएंगे। वो गए, उसने पत्ती तोड़ी, वापस आए तो उसने बोला अब बताओ हम दोनों में से सुंदर कौन। तो उसने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना। उसने बोला शनि देव जी जब आप पेड़ की तरफ जा रहे थे तो पीछे से बहुत सुंदर दिख रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप मेरी तरफ आ रही थी तो आप सुंदर दिख रही थी। यानी शनि जी घर से भागने चाहिए और लक्ष्मी जी घर में आने चाहिए। बाहर के प्रोडक्ट आपके घर में शनि है और आरसीएम के प्रोडक्ट लक्ष्मी लाने का कारण। आरसीएम के प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करने, और मैंने यही करना शुरू किया। सुबह उठा तो टूथपेस्ट आरसीएम का करना शुरू किया, बाहर का टूथपेस्ट में मिलावट, और ऐसा केमिकल होता है आपके परिवार के जो बच्चे होते छोटे वो पेस्ट करते कम है खाते ज्यादा हैं। और आप गौर करना, आप किसी भी बाहर के पेस्ट को उठाओगे और ऐसे ऐसे करोगे तो रबड़ की गोली बन जाएगी। जब बाहर गोली बन रही है तो अंदर गोली बनी तो क्या होगा। हेलो और ये जो पेस्ट है ये हर्बल है, इसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे करोगे गायब हो जाएगा। प्योर हर्बल ये हमने यूज किया, और इसके मालिक तीसी छाबड़ा सर बोलते हैं सुबह ये और रात को ये दोनों पेश जो करेगा तो बोलते हैं इस दुनिया के जाने के बाद आप कुछ साथ में नहीं ले जाते हो, पर वो कहते हैं दांत जरूर साथ ले जाओगे, इस बात की गारंटी है। हेलो तो ये मैंने पेस्ट करना शुरू किया। सुबह उठा, इसके बाद जब नहाने गया तो कई प्रकार के नहाने के साबुन आरसीएम के, कई प्रकार के नहाने के साबुन आरसीएम के, यहाँ जगह कम है 25-30 प्रकार के नहाने के साबुन आरसीएम के, कपड़े धोने के साबुन आरसीएम के, वाशिंग पाउडर आरसीएम का, शैम्पू आरसीएम का, तरह तरह की चीजें मैंने यूज की। फेस वाश आरसीएम का, पाउडर आरसीएम का, नहा के बाहर आया बालों में तेल लगाया आरसीएम का, इसके बाद मैंने जो डिओडेंट लगाया वो आरसीएम का, 50 रुपए आने वाले हैं। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया मेरे साथियों, उसके बाद मैंने जो अंडर गार्मेंट्स डाले वो आरसीएम के, जो मैंने शर्ट पहन रखी है ये आरसीएम की, जो मैंने टाई लगा रखी यहाँ कहीं लिखा होगा देखो क्या लिखा है, आरसीएम की है ना, ये जो कोट पहन रखा है आरसीएम का, ये जो पैंट पहन रखा है आरसीएम का, ये जो जूते पहन रखे हैं आरसीएम के, ये जो मोजे पहन रखे हैं ये भी आरसीएम के ऑथेंजा के, इसके बाद जो बेल्ट पहनी है ये आरसीएम की, ये जो रूमाल पड़ा है ये आरसीएम का, ये जो पर्स पड़ा है वो आरसीएम का, और पर्स में रखा आधा माल आरसीएम का, आधा रेलवे का भाई, यस आधा आरसीएम का। ये मैंने, अगर मैं ये यहां से नहीं लेता तो एक आम इंसान की तरीके से कहीं ना कहीं से तो लेता,
तो साबुन इसका, पेस्ट उसका, पैसा भी उसका। हेलो, यहाँ पर हम खुद के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी 15 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको RCM बिजनेस 800 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का चांस। इसके प्रोडक्ट मैंने यूज किए मार्केट से, अच्छे क्वालिटी में दम, रेट में कम, खर्चों से इनकम, यही है RCM। हेलो, इसके बाद घर में हल्दी, धनिया, नमक, पापड़, ढोकला, चाय, सब RCM का, सब RCM का, और खाने का तेल RCM का। इस तेल के बारे में डॉक्टर बोलते हैं, किसी के पास कोई बुक है मार्केटिंग प्लान की, कोई रखे है क्या? देखिए, ये जो RCM का तेल है, अभी कोई बीमार होता तो डॉक्टर बोलते हैं चिकना नहीं खाना, पर ये तेल कैसा है कि इसके बारे में डॉक्टर बोलते हैं, PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर KK तलवार बोलते हैं कि अगर इस तेल को आपने खाया तो इस तेल को खाने वाले के साथ क्या क्या होने वाला है। इस तेल को खाने वाले के साथ घर में एक भी पर्सन नहीं बचेगा कि जिसको कभी डायबिटीज भविष्य में होगी अगर ये तेल में खाना बनेगा। ये तेल में खाना बनेगा तो घर में किसी का हार्ट का कभी ऑपरेशन नहीं होगा। ये जाने कितनी बीमारियों में फायदेमंद है। इस तेल में धुआं नहीं होता, इसलिए लेडीज को अस्थमा होने का चांस नहीं है। ये तेल मार्केट से किफायती है। बाहर का तेल 10 लीटर यूज होता है, ये 7 लीटर में उतना काम करके देता है। ये तेल में इतनी सारी क्वालिटी की वजह से इस तेल को 4 बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दिया है। हेलो, एक तो आपके पैसे कम लगे, 6 महीने में सामान फ्री मिले, क्वालिटी एक नंबर मिले, डॉक्टरों का खर्चा बचे, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? हेलो, इतनी सारी चीजें मिलती हैं साथ में, और क्या है मेरे साथियों, ये घर में लगने वाले सारे प्रोडक्ट RCM के, ये घर में लगने वाले सारे प्रोडक्ट मार्केट से कंपैरिजन लिया है, हर चीज में पैसे बचेंगे, क्वालिटी बढ़िया लगेगी और ताली भी जोर से बजती रहेगी, ये सारी चीजें RCM की आपको मिलने लगेंगी। और इसके बाद जय RCM, बैठे तो इस प्रकार से आपका ये सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो, ये RCM के आपके सारे घर में लगने वाले प्रोडक्ट लगते हैं, ये मैंने यूज किए। और इसके बाद एक गामा ओरिजिनल और आता है जो यहाँ पे नहीं है, वो गामा ओरिजिनल अगर आप यूज करोगे तो 1000 से ज्यादा बीमारियों में आपकी रक्षा करता है। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको RCM के कोई प्रोडक्ट से कोई हेल्थ संबंधी फायदा हुआ हो? एक भी व्यक्ति को यहाँ बता सकता है, सर आपको क्या फायदा हुआ, एक बार बता सकते हैं? ठाकुर सर है ना? प्रसाद, अच्छा प्रसाद जी, हाँ बताइए सर। पिछले मैं 5-6 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो बीजे नहीं खा रहा था। हाँ, बीजे खाने से ज्यादा घुटने में प्रॉब्लम होता था। हाँ, चलने फिरने में। हाँ, 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 होता था। अब आपने जब बीजे यूज किया तो हाँ, बहुत, मैंने आपको चलते हुए अभी देखा, बड़ी स्पीड में आ रही यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हाँ बताए, गैस का प्रॉब्लम था इनका, ये तेल यूज करने से इनको उस प्रकार से फायदा हुआ। तो ये बहुत सारे लोग हैं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसको डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन बोला और बोला 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लो, आपका हार्ट का ऑपरेशन होगा। उस व्यक्ति ने, उससे कोई मेरा RCM का साथी टकरा गया, उन्होंने हेल्थ कार्ड और गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी। जब 6 महीने बाद डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया तो डॉक्टर ने ऐसे कर लिया क्योंकि उसका 15 लाख का नुकसान हो गया था। हेलो, वो अपने आप ठीक हो गया था। हेलो, तो ये नज़ारा होने वाला है। इसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किए और उसके बाद मैंने लोगों से बात करनी शुरू की। और जब शुरू में मैंने किसी को बताया तो लोगों ने मेरी जम के हंसी बनाई। आपकी भी बन रही है? कितने लोगों की लोग हंसी बनाते हैं, एक बार हाथ दिखाइए। वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो आप। यही है कामयाबी का रास्ता, क्योंकि जिस जिस पे ये जग हंसा है उसने ही एक दिन इतिहास रचा है। शुरू में मेरी हंसी मर रही थी। क्यों मर रही थी? क्योंकि दुनिया में हर नए काम का पहले विरोध होता है। आपको मैं बता दूं, जब पहली बार रेलवे चलाई गई तो कोई इंसान बैठने को तैयार नहीं था। पहली ट्रेन बंदरों को बिठा के चलाई गई थी। आज आप बताओ, बंदर ज्यादा बैठते हैं कि इंसान? और इतने ज्यादा बैठते हैं कि लोगों को टिकट ही नहीं मिलता। हेलो, पहले बैठने को तैयार नहीं, अब उतरने को तैयार। हेलो, यस। इसके बाद आई लाइट, बोले ये बहुत बेकार चीज है, करंट लग जाएगा, मर जाएंगे। आज लाइट नहीं आए ना तो सरकारें बदल जाती हैं। हेलो, राइट। पहले आया
गैस सिलेंडर, बोले बहुत बेकार चीज है, फट गया तो घर उड़ जाएगा। यहाँ बैठे सबके घरों में अभी कितने होंगे, और अगर कोई रिश्तेदार आ जाए चेयर खाली नहीं तो उसपे बिठा और देते, उसके लिए भी फट गया तो इसका क्या होगा। हेलो, तो कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज हमारे पास आती है शुरू में उसका विरोध होता है, बाद में उसके बिना कोई रह नहीं पाता। आरसीएम का भी यही है, और जब हमने शुरू में आरसीएम बताया तो लोगों, मैंने करीब 200 लोगों को बताया, एक भी ज्वाइन होने को तैयार नहीं। तो मैंने अपनी अपलाइन से बोला, सर क्या मैं धरती का पहला और आखिरी प्राणी हूं जिसने आरसीएम ज्वाइन किया, मेरे से तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला, सर आप रेलवे के बारे में बहुत जानते हैं पर आरसीएम के बारे में आपको अंडा, आपने इसकी ना ट्रेनिंग ली, ना आप जूम मीटिंग में आते हो, ना अपलायंस से बात सुनते हो, ना इसकी ट्रेनिंग लेते हो, ना सीखते हो, और दुनिया में बिना सीखे जब साइकिल तक नहीं चलाई जा सकती तो आरसीएम कैसे चलेगा। हेलो, यस यस। आज जितने भी लोग जो कुछ भी कमा रहे हैं उसके लिए बरसों पहले पढ़ाई करी है, सीखा है, हेलो यस, तब जाके कमा रहे, तो यहाँ पे कैसे होगा। तो मैंने बोला मुझे क्या करना पड़ेगा, बोले पहले सीखो। और यही मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि पहली बार आप मोटरसाइकिल निकालो, पहली बार चलाना नहीं जानते हो, अपने पिताजी को बोलो पीछे बैठो आज पहली बार चलाऊंगा, क्या बोलेंगे, पागल है, हाथ पर चलाने भाग जाएंगे, नहीं बैठेंगे, घर वाले ही नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप गिरते पड़ते चलाना सीख जाओ तो एक अजनबी आदमी भी आपको हाईवे पे क्या बोलेगा, सर जी लिफ्ट। मुझे बात समझ में आ गई, बिना सीखे कोई नहीं समझेगा। मैंने इसकी एजुकेशन लेनी शुरू की, मैंने इसकी बढ़ानी शुरू करी आरसीएम में, अपनी बढ़ानी शुरू करी लर्निंग। और जितनी ज्यादा आप आरसीएम की करोगे लर्निंग, उतनी बढ़ेगी आपकी। तो इसलिए मैंने इसमें लर्न करना शुरू किया, और जूम मीटिंगों में वीडियो ऑन करके बैठना शुरू किया, क्योंकि हमारी अपलाइन ने बोला जो दिखता है वो औरों से सबसे ज्यादा बिकता है। हेलो, यस यस। तो हमने वीडियो ऑन करके नियम बना लिया कि मैं जूम मीटिंग में रेगुलर बैठूंगा, लगातार सीखूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी टीम भी जूम में आए। यस, पर मेरी टीम इसलिए नहीं आती थी कि मैंने आज तक बिना इंजन के किसी डिब्बे को आगे जाते देखा ही नहीं। तो मैंने कहा अगर अपने डिब्बों को ले जाना है तो पहले इंजन को आगे जाना पड़ेगा। हेलो, तो मैंने बैठना शुरू किया, हर वो काम करना शुरू किया, ड्रेस कोड डालनी शुरू की। मेरे अप्लाइंट ने बोला टाई लगाओ, मैंने बोला मैं हनुमान था, यस सर लंका जलाना, हेलो यस सर। उन्होंने बोला सूट पहनो, मैंने बोला ये टाई क्यों लगानी, बोले ये अमेरिका का एंटीना है, ये टावर यहीं से पकड़ता है। हेलो, मैंने कहा सूट क्यों पहनना है, बोले जो सूट पहनता है वो सबको सूट कर जाता है। तो मैंने बोला सर मैं जब कामयाब हो जाऊंगा तब पहनूंगा। उन्होंने बोला ये तो आप वही कह रहे हो कि जब दुल्हन ले आऊंगा तब दूल्हा बनूंगा। हेलो, अरे पहले दूल्हा बन के घूमना पड़ेगा, तब दुल्हन और बाराती ऑटोमेटिक पीछे आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो आरसीएम में ज्वाइन है, बहुत सारे ज्वाइन है ना, बहुत सारे ज्वाइन है, राइट। सर आप एक मिनट के लिए इधर आ जाएंगे, आप ये पीछे बगल वाले, बगल वाले। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये हमारे आरसीएम में एक साथी है, ठीक है, आपके ये बहुत बढ़िया साथी हैं, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं, तो आप इनके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे, अच्छा प्लान देते हैं, बताएंगे जब आपको, पसंद करेंगे, ठीक है। चलो एक बार इधर आ जाओ, अब इन दोनों में से आपको चुनना हो तो आप किसको अपलाइन बनाना पसंद करोगे, अभी तो आप इनको बता रहे हो, आप पार्टी बदल ली आपने तुरंत, है ना, किसको बोला, इनको, इनको बनाओ, है ना, प्रिंस जी जरा इधर आ जाओ, आप किसको बनाना पसंद करोगे, हेलो हेलो किसको, अरे अभी इनको बता रहे थे, हेलो पब्लिक दुगला है, क्यों है, क्योंकि हर इंसान अपने से बेहतर इंसान